हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसको मैंने फाइव स्टेप्स में डिवाइड किया है सो फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयर दी सिलेबस थोरोली आपका जो भी सिलेबस है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपकी राइट लाइक जे डबल ई नीट राइट एनी एग्जाम यू हैव टू प्रिपेयर योर सिलेबस लाइक टेक्स्ट बुक सो यू कैन प्रिपेयर दैट एंड बाय दैट सिलेबस एम सी क्यू विल बी आस्क्ड

दैन थर्ड स्टेप है फर्स्ट रीड दी होल एम सी क्यू टू अंडरस्टैंड राइट ऑलवेज रीड एम सी क्यू थोरोली टू अंडरस्टैंड इट नॉट जस्ट यू हैव टू रीड यू हैव टू अंडरस्टैंड देट एम सी क्यू ऑल्सो वाइल रीडिंग देन फोर्थ स्टेप है इफ़ नॉट अंडरस्टूड दैन रीड ट्वाइस थ्राइज द एम सी क्यूज अगर आपको एक बार में वो एम सी क्यू समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा पढ़ सकते हो या फिर तीन बार तो जब तक कि आपको वो एम का जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया है वो समझ में नहीं आ रहा है तब तक आपको वो पढ़ते रहना है रिपीट करते रहना है देन फिफ्थ स्टेप है ऑलवेज राइट डेटा ऑफ द एम सी क्यू ड्यूरिंग रीडिंग जैसे कि कोई एक एम सी क्यू पूछा गया है जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड है सो यू हैव टू राइट सडनली दैट वी इज इक्वल टू ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड सो ऑलवेज राइट डेटा ड्यूरिंग रीडिंग दी एम सी क्यू क्वेश्चन राइट क्योंकि डेटा जब कभी भी आप लिखोगे तो वो सिम्बोलाइज फॉर्म में होगा जैसे कि वी है देन टाइम है तो टी है तो जैसे जैसे आप सिम्बोलाइज फॉर्म में डेटा लिखोगे वैसे वैसे क्या पूछा गया है तो ऑलवेज जो भी पूछा गया उस पर क्वेश्चन मार्क करोगे को तो तुरंत आपको फॉर्मूलाज याद आ जाएगी तो डेटा लिखने का यही इम्पोर्टेंस है कि तुरंत फॉर्मूला याद आ जाएगी तो आप एम सी क्यू जो है वो ईजिली सॉल्व कर पाओगे

मार्किंग हो जाएगा सो डोंट अटैम्प्टी एम सी क्यूज विच यू आर नॉट श्योर अबाउट बिकॉज अटेम्प नहीं करोगे तो वो एज़ इट इज़ रहेगा बट अटेम्प कर लिया और फिर रॉन्ग होगा तो आपका जो मार्क मिल रहा है उसमें से भी वो नेगेटिव लेस कर देगा सो मेक श्योर अबाउट दैट राइट थैंक यू